watching Aaj News HD and I'm your host Laiba Khan with the program Aaj Fitness with Laiba Khan. Viewers, आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ और वो है हेयर हेल्थ के ऊपर. आजकल जो सीज़न चल रहा है और जो हमारी यंग जनरेशन का जिस की तरफ कंसर्न है, वो अपने बालों को लेके बहुत कॉन्शियस होते हैं. हमें किसी इवेंट पे जाना है, हमें डेली यूनिवर्सिटी जाना है, कॉलेज जाना है, हम अपने बालों को ज़रा बड़ा अच्छा ड्रेसअप करने की कोशिश करते हैं कि हमारे बाल बस अच्छे दिखें, बाकी खैर है. तो और यकीनन बाल ही एक ऐसी चीज़ होते हैं जो आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी को मज़ीद ग्रूम करते हैं. तो आइए हम जानेंगे बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट्स जो मेरे पास स्टाइलिस्ट मौजूद हैं उनसे कि उनका क्या कहना है कि डैमेज हेयर क्यों होते हैं, इसका कैसे क्योर किया जाता है, हम डेली लाइफ में कौन से ऐसी शॉर्ट रेमेडीज इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे मज़ीद हमारे बाल अच्छे हो सकते हैं. सो फॉर दैट आई एम हैविंग द वर्दी प्रेजेंस ऑफ मिस ज़ेबा निसार जो कि बहुत ही टॉप स्टाइलिस्ट हमारी पाकिस्तान की है. विद हर हमें कंपनी देते हैं मिस्टर रॉक और इनकी भी जो एक्सपीरियंस है टुवर्ड्स द हेयर हेल्थ मेन हो या वेमेन हो वो भी बहुत अच्छा है. तो आइए इनका एक्सपीरियंस क्या कहता है ये जानते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आप लोगों ने हमें इतना टाइम दिया और इतने ज़्यादा बिजी शेड्यूल थे जहाँ पे इतनी ज़्यादा अपॉइंटमेंट्स आई हुई है उसमें से आपने हमें टाइम निकाला हमारे लिए. यू वेलकम. से स्टार्ट करते हैं विद अपना जो हमारा मेन इशू है डैमेज हेयर का. आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि फलाने शख्स के बाल डैमेज हैं? तो डेली बेसिस पे हम आयरन कर रहे होते हैं, ब्लो ड्राई कर रहे होते हैं अपने बालों को, वो सबसे ज़्यादा हमारे बालों को ड्राई और डैमेज करते हैं. तो ये जो यूनिवर्सिटी गोइंग आजकल हमारी आवाम है, ये तो डेली स्ट्रेटनिंग, ब्लो ड्राइंग, इतना ज़्यादा बालों को वो ड्राई कर रहे हैं कि डैंड्रफ और इस तरह के इशूज़ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं. तो निशानियाँ क्या होती हैं, मुझे कैसे पता लगेगा कि मेरे बाल जो हैं वो ड्राइनेस की तरफ हैं या रफ हैं? पता, हमारे बालों में बॉन्ड होता है, केराटिन होती है. जब हम डेली बेसिस पे आयरन कर रहे होते हैं उसके बाद हम कुछ भी बालों की केयर नहीं करते तो हमारे बालों का जो बॉन्ड होता है ना वो बिल्कुल वीक हो जाता है. और जब वो वीक होता है तो हमारे बालों में ब्रेकेज स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, वो हेयर फॉल आपका स्टार्ट, हेयर फॉल स्टार्ट होता है. हेयर फॉल तो रूट से होता है ना, जो ब्रेकेज होती है वो आपकी लेंथ से बाल टूटना शुरू हो जाते हैं, आपके एजेस फटना शुरू हो जाते हैं जिसे हम दो शाखा बाल कहते हैं, दो शाखा जिसको हम बोलते हैं. तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अच्छा मास्क यूज़ करें, अच्छा शैम्पू यूज़ करें, कोई होम रेमेडी कर लें जैसे एलोवेरा हो गया. एलोवेरा का आप थोड़ा उसका वो जो गूदा होता है उसको निकालें और उसमें आप योगर्ट ऐड करें, उसमें आप एग ऐड कर दें, हनी ऐड कर दें, उसको आप अपने रूट्स में लगाएं, अपने लेंथ और एंड पर लगाएं, वो बहुत अच्छा मास्क है. सही मैम. अच्छा मैंने एक दफ़ा कहीं सुना था कि आपके बाल अगर आप नहा के निकलते हो फौरन अगर आपके बाल ड्राई हो जाते हैं तो इट मीन्स आपके बाल डैमेज हैं. बिकॉज एटलीस्ट उनको कुछ देर तक उनको वेट रहना चाहिए, उन बालों में मॉइस्चर रहना चाहिए. तो ये कहाँ तक कितनी इस बात में सदाकत है? ये बात बिल्कुल सच है कि जब आपके बाल एकदम से ड्राई हो जाते हैं इट्स मीन कि आपके बालों में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है. इसमें के आपके बालों को नरिश की ज़रूरत है. आप अपने बालों में प्रोटीन मास्क लगाएं, आप अपने बालों में कोई एग लगा लें, योगर्ट लगा लें, कुछ इस तरह का लगाएं कि आपके बालों में स्ट्रेंथ आए, आपका बॉन्ड जो है बालों का वो स्ट्रांग होना चाहिए. ठीक है मैम, आपने यहाँ पे ऑयल का जिक्र किया तो हमें हाउ ऑफन वी शुड डू ऑयलिंग? हमें एक हफ्ता या वीकली बेसिस पे या डेली बेसिस पे? कुछ लोग ओवरनाइट लगा के सो जाते हैं. बिल्कुल. तो ऑयलिंग के लिए क्या हैबिट होनी चाहिए? ऑयलिंग के लिए हैबिट ये होनी चाहिए कि ये आपके वॉशेज पे डिपेंड करता है कि आप वीक में कितने वॉश करते हैं. कुछ लोग दो दिन के बाद करते हैं, कुछ लोग तो डेली बेसिस पे कर रहे होते हैं, जो कि हम मना करते हैं सैलून वाले, क्योंकि आपके जो नेचुरल ऑयल होता है ना बालों का वो ख़त्म हो जाता है. बिल्कुल, शैम्पू की जो कंपोजिशन है उसमें एसिड्स भी हैं, उसमें बेसिक चीज़ें भी डाली हैं, तो आपका जड़ से आपको मॉइस्चर ले रहे होते हैं. हम डेली शैम्पू करके तो बड़े खुशबूदार बालों से खुश हो रहे होते हैं बट ये बहुत ज़्यादा एक अलार्मिंग सिचुएशन है. ठीक है मैम, डेली ऑयलिंग लगाना, ऑयलिंग करना भी नहीं, डेली ऑयलिंग भी देखिए ऑयल्स पे भी डिपेंड करता है. कुछ ऑयल होते हैं जो हमारे बालों को ड्राई करते हैं, कुछ ऑयल होते हैं हमारे बालों को बहुत ज़्यादा ग्रीसी कर देते हैं. हम वॉश भी कर लेते हैं वो फिर हमारे शैम्पू सिलेक्शन पे आ जाता है ना कि हम उसके बाद शैम्पू कौन सा यूज़ कर रहे हैं. और ऑयलिंग की आपकी टाइमिंग क्या होनी चाहिए? ओवरनाइट लगे रहने दें या आधा घंटा एक घंटा काफ़ी होता है? पता है क्या, कोई भी ट्रीटमेंट है, कोई भी ट्रीटमेंट है हेयर का, आप 45 मिनट से ज़्यादा नहीं रख सकते. यानी गलत है जो मतलब लोग सारी रात लगा के सो जाते हैं? सारी रात तो कभी भी नहीं, क्योंकि
जब हम ओवरनाइट ऑयलिंग करते हैं ना, तो वो हमारी जो स्किन टोन होती है ना, उस पर भी काफ़ी वो इफेक्ट करती है। हमें पिंपल्स होना शुरू हो जाते हैं, हमारी स्किन ऑयली हो जाती है, कुछ इस तरह के इफेक्ट्स होना शुरू हो जाते हैं। ये मेरा ख्याल इसका हम इससे भी रिलेट कर सकते हैं कि जब आप ऑयलिंग लगा लेते हो तो आपकी जो एक सर्फेस है उसके ऊपर आपने उसको बंद कर दिया, आपने पोर्स को बंद कर दिया। अब आपकी जो स्किन है वो रेस्पायर नहीं कर पाती प्रॉपरली, और प्रॉपरली ब्रीथ नहीं कर पाती, जिसकी वजह से अंदर ही जो है वो जम जाते हैं उसमें, और इसी वजह से हमारे पिंपल्स होते हैं। हमारे बालों में जब जमा रहेगा तो हमारे बालों की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। तो एक्सेसिव किसी भी चीज़ के एक्सेस जो है वो भी बिल्कुल सही नहीं है। तो सर, अब आपकी तरफ आते हैं, मुझे काइंडली ये बताइएगा कि आजकल जो विंटर सीज़न है इसमें डैंड्रफ की शिकायत, ये मेरा अपना ज़ाती मसला है, मेरा तकिया भर जाता है डैंड्रफ से, और लिटरली मुझे इतनी प्रॉब्लम होती है, मैं कोई डार्क शर्ट नहीं पहन सकती। आई थिंक मैं स्ट्रेटनिंग वगैरह, जाहिर है मुझे शोज़ वगैरह करने होते हैं तो स्ट्रेटनिंग वगैरह मेरा बहुत ज़्यादा रहता है, कुछ ऑयलिंग की भी आदत नहीं है, स्मेल आती है बालों से, ये जो छोटे छोटे इश्यूज़ हैं हमारी यंग जनरेशन को, उसकी वजह से हमारे डैंड्रफ हो रही है। तो उस डैंड्रफ, जिद्दी डैंड्रफ से कैसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं? जी, डैंड्रफ का जो इशू है वो सबसे पहले आपकी स्किन में आता है, क्योंकि बालों में ये सेकेंडरी इशू है। जो आपका प्राइमरी इशू होगा वो स्किन पे होगा। उसमें ये डैंड्रफ का जो मेजर कॉज होता है वो ये है कि हम जो डेली वॉशेस कर रहे हैं, हम डेली वॉशेस कर रहे हैं, शैम्पूज हमारे हेड की स्किन में से नेचुरल ऑयल बिल्कुल ख़त्म कर रहा है। और फिर आजकल आपको पता है विंटर है और लोगों को थोड़ा आदत भी है बहुत ज़्यादा वार्म वाटर से बाथ लेने का, शावर लेने का ना, तो हमारे हेड की स्किन के लिए वार्म वाटर ठीक नहीं है। आप देखें कि वार्म वाटर सर्दियों में किचन में यूज़ होता है, जो कि बर्तनों के ऊपर से, स्टेनलेस स्टील के ऊपर से चिकनाहट को दूर करता है, तो वो हमारी स्किन के साथ क्या करता होगा, ठीक है। और गर्म पानी हमारी जो स्कैल्प है उसमें से बिल्कुल नेचुरल ऑयल भी ख़त्म कर देता है, और यहाँ से फिर ड्राइनेस के इश्यूज़ जो होते हैं वो स्टार्ट होते हैं। इसके लिए मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप सबसे पहले आप ये देखें कि आप बहुत ज़्यादा गर्म पानी से अपने हेड को वॉश नहीं करें। थोड़ा इशू होता है, हम शैम्पू यूज़ करते हैं और फ़ौरन से हाथ में शैम्पू डाला और फ़ौरन से स्टार्ट कर दिया, ये भी वे बहुत गलत है। आप अपने हाथ पे, अपने पाम पे एक पानी लें थोड़ा सा, फिर उसमें आप शैम्पू डालें, उसको अच्छी तरह मल्सीफाई करके और अपने साइड से मल्सीफाई करते हुए फिर टॉप पे आएँ। इससे भी आपका डैंड्रफ बहुत ज़्यादा कंट्रोल होगा। और विंटर्स में जब आप शैम्पू यूज़ करते हैं तो मेक श्योर कि आप जो शैम्पू सेलेक्ट कर रहे हैं वो मॉइस्चर वाला हो, ठीक है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैम ने बताया कि आप ऑयलिंग करें, ऑयलिंग एक बड़ा अच्छा सोर्स है आप डैंड्रफ को दूर करने के लिए। फिर एलोवेरा जेल बहुत ज़बरदस्त है, आप घरों में नॉर्मली एलोवेरा लगा होता है, आप एलोवेरा का वो जेल निकालें, उसको थोड़ा उसको मल्सीफाई करके उसको अच्छी तरह से उसकी पेस्ट बना के वो अपने स्कैल्प पे अप्लाई कर लें। सेफ फॉर द स्कैल्प, क्योंकि लोग कहते हैं केमिकल्स या कुछ इस तरह की चीज स्कैल्प पे नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो हेयर फॉल हो जाएगा। वो तो बिल्कुल ऑर्गेनिक है ना, आप बिल्कुल ऑर्गेनिक है, उसमें तो कोई केमिकल नहीं है, हमारे पास कोई केमिकल नहीं है, आम घरों में होता है, आम घरों में होता है। हाँ, वो स्किन के लिए बड़ा जबरदस्त है हमारी। और बेसिक मैंने आपको बताया कि जो ये बेसिक इशू जो है ड्राइनेस का, वो हमारी स्किन से है, बालों में नहीं है, वो स्किन से होता है। स्प्लिटिंग्स का भी इशू बहुत ज़्यादा है। अब स्प्लिटिंग्स का एक जो फैक्ट है, ये अब बाल मेरे दो मुंह हो गए हैं, क्या अब इसका कटिंग सोल्यूशन है या मुझे इसकी प्रिवेंशन के लिए पहले ही कुछ करना चाहिए था अपने बालों को दो मुंह होने से बचाने के लिए? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि स्प्लिटिंग्स होते क्यों हैं। हमारे जब बाल ड्राई हो रहे होते हैं तो उसकी वजह से होता है, या फिर मोस्टली लेडीज़ घरों में स्ट्रेटनर आयरन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, उसकी वजह से हमारे जो एजेस होते हैं वो बहुत वीक होते हैं अकॉर्डिंग टू रूट्स। तो वो जब हीट हमारी एजेस पे आती है तो उसकी वजह से भी बाल जल के वो स्प्लिट एंड्स बन जाते हैं। इसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप अच्छे मॉइस्चर वाले मास्क यूज़ कर सकते हैं, आप कंडीशनर यूज़ कर सकते हैं, और जिन लोगों को बहुत एक्सट्रीम लेवल पे होता है वो इनको कट करा सकते हैं, क्योंकि ये स्प्लिट एंड्स जो है ना वो ट्रेवल करते हैं एजेस टू रूट्स। तो अगर आप इनको कट नहीं करा रहे तो ये आपके बालों का बहुत ज़्यादा पार्ट डैमेज कर देते हैं। सर, अब ट्रीटमेंट्स की तरफ आते हैं, बाल डैमेज हो गए, हमने डेली स्ट्रेटनिंग कर करके उसका बेड़ा गर्क कर दिया, अब आगे से अब उसके साथ हम क्या सलूक करें, कौन से ट्रीटमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं जिससे हम बालों को बेहतर कर सकते हैं? जी, स्ट्रेटनिंग इस तभी ज़रूरत पड़ती है जब हमारे बालों में फ्रिज होता है, और स्पेशली जब वेदर में मॉइस्चर होगा तो हमारी रूट्स में बहुत ज़्यादा फ्रिज होगा।
हमारी कंट्री में स्पेशली विंटर्स में और जब रेनी सीजन आता है उसमें आपकी रूट्स में फ्रिज बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसके लिए हम जो सैलॉन में जो प्रोफेशनल ट्रीटमेंट्स क्लाइंट्स को ऑफर करते हैं उसमें केराटिन ट्रीटमेंट है जो कि एक प्रोटीन फॉर्म ट्रीटमेंट है जिससे हमारे बाल बनते हैं, ये उस प्रोटीन का नाम है केराटिन। और इसमें एक और ट्रीटमेंट है जो हम लोग कर रहे हैं जिसको हम बोटॉक्स बोलते हैं, हेयर बोटॉक्स, जिससे आपको हेयर स्ट्रेटनिंग के साथ साथ हेयर रिपेयरिंग मिलती है। जिनके बाल डाई से, स्टीक से या फिर बलियाज या फिर रोज़ की स्टाइलिंग से डैमेज हो चुके हैं, ड्राई हो चुके हैं, वो बोटॉक्स ले सकते हैं। जिनको स्ट्रेटनिंग भी चाहिए और इसके साथ साथ उनके बाल रिकवर होंगे, जितने डैमेजेस इश्यूज हैं बिल्कुल बिल्कुल सिल्की हो जाएंगे, स्मूदी हो जाएंगे, शाइनी होंगे और हेयर फॉल कंट्रोल हो जाता है। और फिर है हमारे पास जो हेयर बोटॉक्स है उससे आपका ड्राइनेस बहुत ज़्यादा कंट्रोल होती है जिसमें डैंड्रफ बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो जाता है। डिफरेंस अब आपने मुझे बोटॉक्स और केराटिन में तो बता दिया, एक्सटेंसो भी ट्रीटमेंट्स होते हैं, सिंपल रिबाउंडिंग है जो अवेलेबल है जो हमारी ख्वातीन घर में कर रही होती है, तो आप उनको क्या कहते हैं कि ये ट्रीटमेंट्स हमें घर में करना चाहिए, स्पेशल इसके लिए प्रिकॉशंस चाहिए होते हैं कि प्रोफेशनलिज्म रिक्वायर्ड? नहीं, मैं तो बिल्कुल अलाउ नहीं करूँगा कि ये आप घर पर ट्राई करें। देखें, एक स्किल है जो एक टाइम मांगता है, जो आपको आप जब तरह तरह के बालों को ट्रीट करते हैं तो आप इम्प्रूव करते हैं और इसकी एक प्रॉपर स्टडी है जिसमें जब आपके पास बाल आते हैं तो आप उसको प्रॉपर स्टडी करते हैं कि इनमें इतनी स्ट्रेंथ है या नहीं है, अगर स्ट्रेंथ है तो हम इसको कौन सा ट्रीटमेंट रिकमेंड कर सकते हैं। फिर एक्सटेंसो और रिबॉन्डिंग जो आई थिंक सो कि ये थोड़े पुराने ट्रीटमेंट्स थे जो फॉर्मल्डिहाइड के साथ थे, और फॉर्मल्डिहाइड एक ऐसा केमिकल है जो मेजर कॉज है फॉर कैंसर, जिसमें करने वाला और करवाने वाला दोनों रिस्क पे होते हैं। और इसके अलावा अगर आप केराटिन बोटॉक्स की तरफ नहीं आना चाहते और आप अपने बालों को ठीक करना चाहते हैं तो उसमें आप प्रोटीन ट्रीटमेंट हैं, जो लोग जिन लोगों के बाल ड्राई हो चुके हैं, डैमेज हो चुके हैं, वो प्रोटीन ट्रीटमेंट्स ले सकते हैं। हमारे पास एक स्मार्ट बॉन्ड ट्रीटमेंट है जो कलर ट्रीटेड बालों के लिए है, क्योंकि कलर हमारे बालों को लगाते हैं हम लोग बालों में डिफरेंट ब्रांड्स के कलर्स यूज करते हैं, वो भी बहुत सीवियर केमिकल्स होते हैं, तो एक बालों का जूस सा निकला होता है हमारा। एग्जैक्टली, तो उसके लिए फिर आप ये ट्रीटमेंट जी 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 स्मार्ट बॉन्ड जो कलर ट्रीटेड बाल हैं उनके लिए, क्योंकि कलर हमारे बालों को ड्राई कर रहा होता है। एक और इशू है, हमने ड्राइनेस पे डिस्कस किया, नहाए अगले दिन ऑयल आ जाते हैं लोगों के बालों में, तो उसका क्या ट्रीटमेंट होता है ऐसे बालों के लिए? आप क्या कहते हैं जो चिपके चिपके रहते हैं, अगर ऑयली ऑयली रहते हैं? देखिए, हमारे कुछ बाल ऐसे होते हैं उनमें सीबम प्रोड्यूस होता है। हम जब फर्स्ट डे वॉश करते हैं तो वेरी नेक्स्ट डे हमारे बाल ऑयली हो गए होते हैं, तो उसमें सीबम हमारी स्किन प्रोड्यूस कर रही होती है, वो ज़्यादती होती है सीबम की। और सीबम भी बहुत बड़ी कॉज है फॉर हेयर फॉल, हेयर फॉल सीबम की वजह से बहुत ज़्यादा होता है। इसके लिए भी बहुत ज़्यादा शैम्पूज़ और कंडीशनर मार्केट में अवेलेबल हैं, थोड़ा सा आपको रैकी करनी पड़ेगी, थोड़ा सा आपको इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि ये चीज़ क्या है। उसके लिए आपने देखा होगा कि कभी भी लोग शैम्पू कंडीशनर खरीदते वक्त उन पे पड़ते नहीं है। अब मेरा एक जो है ना, सब अब मुझे देखने व्यूअर्स भी कहेंगे कि आपने सारे लड़कियों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, लड़कों कहाँ गए? तो लड़कों को बड़ी परेशानी है, वो आगे से बॉल्ड हो जाते हैं, ठीक है, उनके बाल जो है वो झड़ने लग जाते हैं, थोड़ा सा गंजपन सा आ रहा होते हैं, एलोपेशिया जिसको हम बोलते हैं, तो उसका आप क्या ट्रीटमेंट या उनके लिए आप क्या रिकमेंड करते हैं? उनके एक तो जेनेटिक मसला होता है जो आपके थ्रू आउट फादर फोर फादर से चला आ रहा है, जेनेटिक मसला नहीं, आपको डाइटरी मसला हो सकता है, उसके अलावा आप उनको क्या रिकमेंड करते हैं जो लोग बॉल्ड हो रहे हैं? उनके लिए मैं ये चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा कि मेक श्योर करें कि आपको प्रोडक्ट्स कौन सी सूट कर रही हैं, क्योंकि मेंस बहुत लेजी हैं। बीइंग अ मैन, मैं इस बात को बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करता हूँ। हमारा हर काम मंडे से शुरू होता है और वो मंडे कभी नहीं आता, तो हमें थोड़ा सा अपने आप को भी देखना है, अपनी लाइफ को देखना है और अपने आप का केयर करना है। एट द एंड प्रोग्राम के एंड में मैं चाहूँगी एक अच्छा सा हेल्दी सा मैसेज आप पब्लिक को रिकॉर्ड करें। जी, जबकि आप सब जानते हैं कि कोविड सेकेंड लेयर फिर से बड़ी स्पीडली फैल रहा है, तो मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगा जी, स्टे होम, स्टे सेफ, और घर पे रहने का फ़ायदा ये है कि आप अपनी स्किन को एनालाइज़ करें, आप अपने बालों को एनालाइज़ करें और मेक श्योर कि आप अपनी डाइट ठीक करें, और स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू सो मच।
मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ 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 आप अपने घरों में कोई भी अपने बालों पे कोई इस तरह का तजुर्बा ना करें कि कोई भी कलर उठा के लगा लिया, अपने बालों में इस्त्री लगा ली या अपने बालों पे आयरन करना शुरू कर दिया। प्लीज़ अपने बालों की केयर करें क्योंकि बाल हमारी पर्सनैलिटी का मेन पार्ट है। अगर हम जितना मर्ज़ी अच्छा मेकअप कर लें ना, हमारे बाल अच्छे नहीं होंगे तो हमारा मेकअप को कुछ मैटर नहीं करता। बाल अच्छे लग रहे होंगे, सिंपल लिपस्टिक लगाएं तो आप बहुत अच्छी लगेंगी। ओके व्यूअर्स, हे आई वांट टू गिव यू अ गुड न्यूज़ कि जहाँ पे मैं मौजूद हूँ वो है वॉल्यूम्स, जो कि DHA फेस 6 में है और इनका 50% ऑफ चल रहा है। तो जिसको ये 50% ऑफ वाली ऑफर लेनी है वो आएँ, जल्दी से आएँ और अपनी अपॉइंटमेंट्स बुक कराएँ। आई होप आपको आज का वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगी होगी। स्टे ट्यून्ड टू आज न्यूज़ HD फॉर मोर इंटरेस्टिंग स्टफ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।